वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ आटा मोमोज रेसिपी, और इसके लिए आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं बता दे रही हूँ। आपको चाहिए होगी बारीक कटी हुई गोभी, बारीक आपको गाजर मैं यूज कर रही हूँ, और बारीक कटी हुई बंद गोभी। ये सब मैंने क्रश करके रखा हुआ है, और जो बंद गोभी है मैंने बारीक काटी हुई है, क्योंकि आजकल लोग बंद गोभी थोड़ा कम पसंद कर रहे हैं, इसलिए मैं कम यूज कर रही हूँ। बाकी आप और भी कोई वेजिटेबल यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। आपको चाहिए होगा बाकी कटी हुई ऑनियन, लहसुन, हरी मिर्च, तेल, नमक, अजीनोमोटो, लाल मिर्च और गूंधा हुआ आटा। तो चलिए आगे का प्रोसेस बताती हूँ। सबसे पहले आपको कढ़ाई में तेल गर्म होने को रख देना है, और उसमें आपने सबसे पहले लहसुन डालनी है। लहसुन का प्याज अच्छे से ब्राउन होने दे, कटी हुई है। लाइट ब्राउन होने का वेट करें। फिर आपने इसमें अपनी वेजिटेबल्स डाल लेनी है। ये मैं गोभी डाल रही हूँ, और उसके बाद आपकी बंद गोभी और आपकी गाजर। और इसे आपने अच्छे से भूनना है, मिक्स करना है। अब आपने इसमें लाल मिर्ची डाल लेनी है स्वाद अनुसार, और आपको नमक ज्यादा ना यूज करें, क्योंकि आपको इसमें अजीनोमोटो यूज करना है। मोमोज में अजीनोमोटो का काफी ज्यादा फंक्शन रहता है। अजीनोमोटो ही एक ऐसी चीज है जो मोमोज में टेस्ट लाती है। फिर आप उसे मिक्स कर लें। अभी आपका पक चुका है सारा मिक्सचर, और हम इसे बंद कर लेंगे। ठंडा होने का वेट कर लें इसका, नहीं तो हाथों में गर्म लगेगा फिलिंग के टाइम पे। आइए अब स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, पेड़ा ले लेना है आटे का, और आपको इसे बेलना है। इस तरह से अब हम फील करेंगे इसमें, ये इस तरह से थोड़ा सा लेके, बनाने का प्रोसेस देख लीजिए। मोमोज को इस तरह से आपने एक प्लेटिंग देनी है, वन इस तरह से, टू इस तरह से डिजाइनिंग में, ठीक है, और फिर इसे बंद कर ले। ये देखिए, एक और बना के दिखा देती हूं पेड़ा लेके। इस तरह से फिल करके ये देखिए प्लेट में किस तरह से डाल रही हूं वो देख लीजिए। एक फोल्ड किया, दूसरा, और फिर
इसे आप इस तरह से कर लीजिए, ठीक है। अभी मैंने शेप्स में मोमोज बना लिए हैं, अब मैं इन्हें एक बाउल में रख ले रही हूं। अब हमें इसे माइक्रोवेव में रखना है थोड़ी देर के लिए। अब ये मैंने बंद कर लिया है अपना ये बाउल, अब मैं इसे माइक्रोवेव में रख रही हूं इस तरह से, ठीक है। और अब हम इसे पकाएंगे, कम से कम 5 मिनट तक आपको इसको माइक्रोवेव में टाइम सेट करना है। 5 मिनट लगेंगे इसे पकने में, तो वेट कर लेते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, मैं अब निकाल रही हूँ इसे। ये आपके पक गए होंगे मोमोस, अब मैं ओपन कर ले रही हूँ। मोमोज आपके बिल्कुल रेडी है। अगर आपको लग रहा हो कि कच्चे हैं, तो आप थोड़ी देर और माइक्रोवेव में पका सकते हो 2 या 3 मिनट के लिए। कर दे। ठीक है, ये मैंने सर्व कर दिए हैं मोमोज। आप चाहें तो इसे फ्राई भी कर सकते हैं इसके बाद, और चटनी के साथ आप खा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी, हमें जरूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।